हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजिट टेक में। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट एंड आज की इस वीडियो में जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही शानदार है, तो उसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज रियलमी बर्ड्स प्लस। जैसा कि आप देख सकते हो ये है रियलमी बर्ड्स प्लस, ठीक है। तो आज करूँगा मैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड आपको दिखाऊंगा इसके ऑल ओवर रिव्यू, क्या कैसा कैसा है, इसके फीचर्स कैसे हैं, इसके साउंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग चेक कराऊंगा मैं इसमें एंड आपको इसकी प्राइस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना रियलमी का बर्ड प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी बर्ड प्लस इमेज एंड यहाँ पे बर्ड प्लस एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको रियलमी की ब्रांडिंग एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो कुछ हाइलाइट्स दिया पड़ा है जो आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट करके, ठीक है। एंड ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे सारे अवेलेबल है, टच कंट्रोल है एंड मैग्नेटिक है एंड IPS6 वाटरप्रूफ है आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांडिंग एंड यहाँ पे बैक साइड में आपको कुछ कलर इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, इस वेरियंट में अवेलेबल है। एंड उसी के साथ साथ अब हम करते हैं इसको ओपन, तो ओपन जैसे ही करते हैं तो देखने को मिलता है हमको एक बॉक्स जो पूरी प्रॉपर तरीके से पैक है, डब्बे में कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक मैनुअल गाइड जो, अरे ये तो ब्लैंक है, ओ नहीं, बैक साइड में यहाँ पे मैनुअल गाइड जैसे आप पढ़ के रीड कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ USB टाइप सी चार्जिंग केबल जैसे आप USB चार्ज कर सकते हो अपने अडेप्टर को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अडेप्टर जो केस है एंड यहाँ पे आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाएगा, ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट्स, ठीक है। एंड उसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी है। एंड बैक साइड में आपको दिखा दूँ यहाँ पे टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, लाइट इंडिकेटर मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आपको ऊपर रियल मी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग के साथ साथ अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स, तो बॉक्स को खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे LED लाइट हीटर है, ठीक है। यहाँ पे LED शो करेगा आपको लाइट में जो भी होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ईयर टिप्स ऐसा डालना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, पेयरिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लाइट इंडिकेट करता रहेगा कि ऐसे ऐसे कैसे मतलब काम करता है। सो गाइज, इसको अगर जब आपको पेयरिंग करना है तो पेयरिंग के लिए आपको यहाँ पे इसको बाहर निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह, और बाहर निकालते ही आप जैसे इसको बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर बटन्स भी हैं, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ अगर जब आपको पेयरिंग करना है तो पेयरिंग के लिए बटन्स प्रेस करके रखना पड़ेगा एंड गाने को प्ले पोज करने के लिए आपको डबल टैप एंड सिंगल टैप पे काम करना पड़ेगा। ये डबल टैप एंड सिंगल टैप पे काम करता है, ठीक है। डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो ये स्विच ऑफ ऑन हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके ईयर टिप्स इसमें मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे से जो फिट है, पहले से ईयर टिप्स एक्स्ट्रा इसके साथ नहीं मिलते, यही जो है लगा हुआ वही है, ठीक है। तो इसको हम इसमें बॉक्स में डाल देंगे एंड ये है काफ़ी कम्फर्टेबल, काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ी सी डिटेल में आगे बात करेंगे हम इसके। ओके सो गाइज, आपने अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ली, बट अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आपने देख लिया कि रियलमी बर्ड्स जो प्लस है इसका बॉक्स आपने देख लिया एंड इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो इसकी साउंड क्वालिटी, सबसे पहले इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी है। एंड प्राइस के बारे में तो ठीक है, प्राइस में अभी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक है, पूरी प्लास्टिक की बॉडी मेटल मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, बहुत ही लाजवाब आपको इसको सुनने को मिलेगा। कॉपी वाली क्वालिटीज आती हैं उसमें, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो लाउड इसमें बहुत ज़्यादा है एंड बेस क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड इसी के साथ बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, मतलब 3-4 से 5 घंटे आप इसको नॉन स्टॉप प्लेबैक कर सकते हो, चला सकते हो। एंड उसके साथ कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में लाजवाब इसका साउंड है, ठीक है। कॉलिंग करते हो तो माइक भी अच्छा काम करता है एंड वॉइस भी अच्छी जाती है एंड वॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ कवर करता है। एंड अब आते हैं इसके हम प्राइस की बात पे, तो प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको पड़ जाएगा ओनली 600 में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको अगर 600 में आपको मिल जाए तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, अगर जब सही से इसको यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो एंड कैसा लगा ईयरबड प्लस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ खास बात भी इसकी बताना अगर जो भी आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बहुत ही शानदार नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, बहुत ही धांसू होने वाली है क्योंकि उसमें ना बहुत ही स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, टिल देन बाय।